has a lot to fight for क्योंकि काफी अच्छी स्टैंडिंग उन्होंने अपने लिए अक्वायर की थी पिछले सीजन एंड ही डज वांट टू गुड लेंथ डालेंगे इसी के साथ विकेट मिलती है और इसी के साथ फिर से लॉफ्ट करेंगे विल बी अ कैच नो स्ट्रेट वेंट्स फॉर 4 अभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी बनने वाली है एंड दैट वन गोज इन क्वाइट फार एंड लॉन्ग लेकिन फील्डर बहुत जल्द बॉल तक का सफर तय करेंगे एंड एक रन से क्योंकि ज़ॉम्बी के एंड से क्योंकि वहां पे फील्डर मौजूद थे बट इस बार करेंगे लॉफ्ट कैच नहीं मिलेगी बट 4 रन की तरफ सीधा जाएगा इफ ही वांट्स टू विन और यॉर्कर लेंथ फिर से किया लॉफ्ट टुवर्ड्स फाइन लेग और कैच होते हैं यहां पे आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन से जीते हुए पाएंगे ही गोज इन फॉर अ शॉट लेकिन इस बार कोई भी फील्डर चेज नहीं कर पाएगा इस बार यॉर्कर लेंथ जरूर डालेंगे और बैक ऑल राइट फाइन लेग की तरफ फिर से बॉल जाएगी 4 रन की तरफ की है एक और बार यॉर्कर के लिए जाने की कोशिश लॉफ्ट करेंगे और छक्का के साथ डेफिनेट जी तो इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड को डालेंगे लॉफ्ट करा और सीधा इस बार भी लॉफ्ट करेंगे कैच होते हैं मेरे ख्याल से और विकेट सेकंड ओवर के साथ हम प्रोसीड करेंगे इस बार लॉफ्ट किया कैच की तरफ वन हैंड कैच तेजस 20 रन पार ओके लॉफ्ट करेंगे दोबारा फिर से कैच फर्स्ट बॉल यॉर्कर डालेंगे लॉफ्ट करते हुए सीधा 6 उनको थोड़ी सी दिक्कत देती हुई नजर आएंगी लेकिन एक फुल टॉस भेजा जाएगा जो कि काफी अच्छे से उछलेगा एंड चौके की तरफ मार्च करता हुआ नजर आएगा लो जी 17